हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी किचन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और लजीज रेसिपी लेकर आई हूँ, चीज़ बॉल। तो चलो देखते हैं किस तरह से बनाई जाएगी और इसमें क्या क्या डलेगा। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम 5 से 6 उबले हुए आलू डालेंगे मैश करके। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। आप मैदे की जगह राइस फ्लोर, सूजी या फिर कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं। अब इस मैदे को हम अच्छी तरीके से आलू में मिक्स करेंगे, इसका एक डो बना लेंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम 2 एग डालेंगे तोड़ के और इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप दूध का डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा स्पून मैदा डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने मज़रोला चीज़ की एक टिक्की ली है, उसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब जो आलू हमने मैदा डाल के डो तैयार किया था, उसको हम हाथ में लेके पहले हम हाथ को ग्रीस कर लेंगे, फिर उसको हम टिक्की फॉर्म में हाथ में लेके प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम चीज़ की क्यूब्स रखेंगे और इसका एक रोल तैयार कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली है। अब जो अंडे और मैदे का हमने बैटर बनाया था, उसमें इसको कोट करेंगे और इसके ऊपर अब हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। हमें इसे ब्रेड क्रम में कोट कर लेना है क्योंकि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये तेल सोक नहीं करेगा, इसलिए हमने इसे पहले एग में डीप किया था, फिर हमने इस पर ब्रेड क्रम लगाए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, लो टू मीडियम गैस पर ही हमें इसे फ्राई करना है। अब जो बॉल्स हमने बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए हमारी बॉल्स अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी जो चीज़ है वो कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हुई है। ये देखिए, ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है।